हमारा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था। चलिए निकाल लीजिए पहला पत्रस 2:21-22 पद। पहला पत्रस 2:21-22 पद, और यहाँ लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। हम यीशु मसीह के स्वभाव में अपने जीवन को बिताएं, हम यीशु मसीह के चाल चलन में अपने जीवन को बिताएं, इसलिए महान परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में बुला लिया है। तो यहाँ पर लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया ही, संसार में सुख पाने के लिए नहीं आया था प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, मैं सेवा करवाने के लिए नहीं आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। अब हम कहते हैं कि भाई हम तो प्रभु यीशु मसीह में आ गए, अब हमें खूब दौलत मिलेगा, खूब पैसा मिलेगा आशीष में, खूब संसार का चीज मिलेगा आशीष में। तो ये हमारी गलत फहमी है, ये हमारी गलत फहमी है। हम कहेंगे प्रभु यीशु मसीह में हमें बहुत सुख मिलेगा, तो ये हमारी गलत फहमी है। अब दो आयत में बाइबल से आपको बताना चाहूँगा। तो पहला है मत्ती में जो लिखा है, यीशु ने कहा है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर सेन लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर न सेन लगाते और चुराते हैं। इस वचन से हमें क्या सबक मिला? क्या प्रभु यीशु मसीह दौलत देने आया था? नहीं। हमारे पास जो कुछ है हम उस पर खुश रहें, हम धन दौलत का अधिकतर लालच मत करें। दूसरा, हम ये कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हमें बहुत बहुत खुशी मिलेगा, हम हमेशा सुख से रहेंगे, हमें हमेशा संसार से कोई क्लेश नहीं मिलेगा, संसार से हमें कोई ताड़ना नहीं मिलेगा, संसार से हमें कोई दुख नहीं मिलेगा। तो ये भी हमारी गलत फहमी है। अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है दूसरा तिमुथियुस 2:3 पद में कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। अब यहाँ पर बाइबिल कह रही है मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा, और हम सुख पाना चाहते हैं। अब सोचिए इस बात को, प्रभु यीशु का वचन क्या कह रहा है और हम क्या सोच रहे हैं। प्रभु यीशु का वचन कह रहा है कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा, तो हमें यीशु के साथ दुख तकलीफ उठाकर चलना है, अपना क्रूस लेकर चलना है। दूसरा, हमने पढ़ा कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर सेन लगाते और चुराते हैं। तो इसका मतलब हमें ऐसा नहीं कि कमाना नहीं है, हमें काम करना है, लेकिन इस तरह से हम पैसे के पीछे भागेंगे और ईश्वर को छोड़ देंगे तो वैसा पैसा बेकार है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो फिर उसे क्या लाभ होगा? तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें किस लिए चुना है? महान परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा किस लिए चुना है कि हम भी यीशु के स्वभाव में हों। और जैसा कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रहकर काम किए, वैसे हमें भी काम करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी कोई सांसारिक काम नहीं किया, संसार के पीछे नहीं चला प्रभु यीशु मसीह, परंतु अपने स्वर्गीय पिता के पीछे चला। तो हम किसके पीछे चलें भाई? हमें संसार में से परमेश्वर ने चुन लिया है अपने स्वर्गीय राज्य के लिए, तो हम किस राज्य के पीछे चलेंगे? संसार के राज्य के पीछे अभी भी चल रहे हैं, तो एक प्रकार से हम वचन के आईने में अपने आप को देख तो रहे हैं, लेकिन अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम खुद से झूठ बोल रहे हैं, हम खुद के मुंह पर काली पोत कर चल रहे हैं। परमेश्वर का वचन आईना है जो हमारे जीवन की तमाम अच्छाई और बुराई को दिखाता है। इस वचन को हम पढ़कर समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि वास्तविक में हम संसार के पीछे चल रहे हैं कि यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। और बाइबल कहती है पहला पत्रस 2:21 पद में, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। जैसा यीशु मसीह का चाल चलन था, हम वैसे ही यीशु मसीह के पद चिन्ह पर चलें। यीशु मसीह ने जैसा हमें सिखाया है हम वैसे ही चलें। हम यीशु के दाएं बाएं मत चलें, यीशु के पीछे चलें। जो यीशु का सच्चा भेड़ होता है ना, वो यीशु का पीछे चलता है। यहाँ 22 पद में लिखा है, ना तो उसने पाप किया, प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, फिर भी उसने दुख उठाया।
प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी पाप नहीं किया है, फिर भी उसने दुख उठाया। हम तो गुनहगार थे, तो अब परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, तो हम भी यीशु मसीह के साथ दुख उठाएं, हम भी पाप से घृणा करें। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। छल का मतलब, प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी से छल नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे प्यार किया है, सबसे। तो आज हम क्या करते हैं? आज हम दूसरे लोगों से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, या फिर छल करते हैं? यदि हमारे मन में, हमारे हृदय में किसी के प्रति भी छल है, तो इसका मतलब हमारा जीवन प्रभु के योग्य नहीं है। हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने नहीं दे रहे हैं। हमारे जीवन में केवल प्रेम होना चाहिए दूसरे के प्रति, केवल प्रेम, केवल दया, केवल भलाई, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। और परमेश्वर कभी किसी को नफरत का आत्मा नहीं देता, कभी परमेश्वर किसी को ईर्ष्या, जलन, बैर भाव का आत्मा नहीं देता, परंतु प्रेम का आत्मा देता है महान परमेश्वर, प्रेम का आत्मा। और प्रेम को हमारे मन में महान परमेश्वर ने डाला है। रोमियो 5:5 निकालिए, रोमियो 5:5, और वहां पढ़िए क्या लिखा है। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। बाइबल में लिखा है रोमियो 5:5 में, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, तो परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। तो हमारे मन में परमेश्वर ने प्रेम को क्यों डाला? हाथ में डाल सकता था, आँख में डाल सकता था, पैर में डाल सकता था, मन में क्यों डाला? क्योंकि अच्छाई हो या बुराई, नफरत हो या जलन, या फिर प्रेम हो या फिर ईर्ष्या, कहाँ से निकलता है? मन से निकलता है। इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है? हमारे मन से, हमारे हृदय से केवल प्रेम निकले, केवल प्रेम। इसलिए परमेश्वर ने हमें प्रेम की आत्मा को दिया है। और जब प्रेम का आत्मा हमारे अंदर आएगा, तो दुश्मन से भी प्यार करेंगे, बैरी से भी प्रेम करेंगे। यदि कोई हमें सता रहा है, तो भी हम माफ कर देंगे। कोई हमारे प्रति जल रहा है, तो भी क्षमा कर देंगे। किसी ने थोड़ा सा बुरा कह दिया, तो भी प्रेम से सह लेंगे। बाइबल में लिखा है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम बुरा नहीं मानता। यदि हमारे अंदर प्रेम का आत्मा है, तो हम किसी की बातों का बुरा नहीं मानेंगे, चुपचाप सह लेंगे। इसलिए तो परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रेम का आत्मा दिया है, कि हम प्रेम करें, अपने पड़ोसियों से प्रेम करें, अपने बैरी से प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परंतु आज भी हमारे अंदर नफरत या छल है, किसी के प्रति जलन है, या हम प्रेम में पक्षपात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने का मौका नहीं दे रहे हैं। देखिए, इंसान हैं, इंसानों से गलती हो जाता है, तो हम क्या करें? हम क्षमा करें, जैसे परमेश्वर ने क्षमा किया है। पता है, ये क्षमा करने का अधिकार केवल परमेश्वर के बेटे और बेटियों का है। पाप को क्षमा किसने किए? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किए। तो बाइबल क्या कहती है? जैसे तुम्हारे पिता ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्षमा केवल परमेश्वर के लोग ही कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर क्षमा नहीं है, तो इसका मतलब हमारे अंदर अभी भी नफरत की आत्मा, या फिर हम कहें कि शैतान की आत्मा काम कर रही है। एक आयत और है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, मत्ती निकालिए 6, मत्ती रचित सुसमाचार 6 और उसका 14-15 पढ़िए। तो यहां पर लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। भाई, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे कितने सारे अपराध क्षमा कर दिए, तो हमें भी यीशु मसीह की तरह अपने दुश्मनों को क्षमा कर देना चाहिए, अपने सताने वालों को माफ कर देना चाहिए, बल्कि हम उन्हें आशीष दें। एक और आयत हम पढ़ते हैं, कुलुसियों निकालिए, कुलुसियों 3:12 कुलुसियों 3:12-13 में हम पढ़ते हैं। तो यहां पर लिखा है,
इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, देखिए हमें परमेश्वर ने चुन लिया है संसार में से, तो परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। देखिए परमेश्वर के चुने हुए लोग कैसे रहते हैं, करुणामय लोग रहते हैं। परमेश्वर के जो लोग रहते हैं वो दयावंत लोग होते हैं, परमेश्वर के जो लोग होते हैं वे बड़े ही नम्रशील होते हैं। फिर लिखा और भलाई करने वाले लोग होते हैं, जो महान परमेश्वर के सच्चे बेटे और बेटियां होते हैं वे भलाई के काम करने वाले लोग होते हैं, दूसरे की मदद करने वाले लोग होते हैं, दूसरे की सहायता करने वाले लोग होते हैं। और जो परमेश्वर के लोग होते हैं दीन होते हैं, दीन देखा दीन, दीनता और नम्रता। महान परमेश्वर के जो लोग होते हैं वे बड़े ही नम्र स्वभाव के होते हैं। अब यीशु ने कहा है ना, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो परमेश्वर के जो सच्चे बेटे और बेटियां होते हैं वे नम्र होते हैं, दीन होते हैं। और सहनशीलता धारण करो, और परमेश्वर के जो लोग होते हैं वे बड़े ही सहनशील होते हैं। अब कैसे सहनशील, आप सोचिए किसी ने जोरदार हमें एक थप्पड़ मार दिया खींच के, तो यदि हम परमेश्वर के सच्चे लोग रहेंगे तो ऐसे कर लेंगे, हाँ चल भैया कोई बात नहीं, प्रभु ने कहा है क्षमा कर दे तो क्षमा कर देना चाहिए। और पता लगा किसी ने हमें एक थप्पड़ मारा तो हमने खींच के उसको दो थप्पड़ मार दिए, तो बिना गलती के कैसे मुझे पीट दिया। और यीशु ने कहा है कोई तेरी एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसे दूजा भी फेर दे। तो जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो बड़े सहनशील होते हैं, वे मार खा जाते हैं लेकिन किसी को मारते नहीं हैं, वो गाली सुन लेते हैं लेकिन किसी को गाली नहीं देते। अब कोई बेवजह हमें कुछ भी बोल दे, कुछ भी मतलब कोई हम पर बेवजह दोष लगा रहा है दोष, अब हम कहें मुझ पर बेवजह का कैसे दोष लगा रहा है, हमारे अंदर गुस्सा आ रहा है गुस्सा, तो ये गुस्सा कहाँ से आ गया भाई, परमेश्वर ने हमें तो प्रेम का आत्मा दिया है ना, तो ये गुस्सा कहाँ से आ गया। यदि हमारे अंदर गुस्सा आ रहा है तो इसका मतलब हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में महत्व नहीं दे रहे हैं, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में महत्व नहीं दे रहे हैं। परंतु हमारे अंदर यदि हमें कोई बुरा कह भी रहा है, बेवजह का दोष लगा रहा है, तो अभी हम बड़े नम्र से सह लेते हैं। लिखा है ना प्रेम किसी की बातों का बुरा नहीं मानता, तो इसका मतलब हमारे अंदर पवित्र आत्मा है जो प्रेम के रूप में हमारे जीवन में काम कर रहा है। तो परमेश्वर के जो लोग होते हैं वो बड़े ही सहनशील होते हैं, सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी के अंदर गुस्सा है, नफरत है, बैर भाव है, तो बाइबल कहती है कि सहनशीलता, सहनशील बनो। फिर आगे में हम पढ़ते हैं, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, देखिए यदि कोई हमारे प्रति कोई गलती कर दे रहा है, दोष लगाने का कोई कारण हो सकता है ना, किसी ने हमारा पैसा खा दिया या फिर कोई हमें बेवजह गाली दे रहा है, तो किसी पर या और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, लिखा है ना। यदि कोई हमारा बेवजह बिगाड़ रहा है तो बाइबल में लिखा है कि एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। अब बाइबल कह रही है जैसे परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमारे अपराध क्षमा किए वैसे ही हम भी क्षमा कर दें, और प्रेम के कमरबंद को बांध ले। यहां पर हम पढ़ते हैं 14 पद में, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। प्रेम का सिद्धता का कटिबंध है उसको अपने कमर में बांध लें, तो हमारे जीवन से केवल प्रेम निकलेगा, केवल प्रेम। तो परमेश्वर ने हमें चुना है तो हमारा जीवन यीशु मसीह के जैसा हो, तुम मसीह के सांचे में ढाले गए हो। हम फिर से आ जाएंगे पहला पत्रस, और यहां पर हमने पढ़ा ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, वह गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देता था। हमारे प्रभु यीशु मसीह को लोग गालियां देते थे लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी को गाली नहीं दिया। तो यदि हमें भी कोई गाली दे रहा है तो हम भी किसी को गाली मत दें। और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर
अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। प्रभु यीशु मसीह ने कोई गलत काम किया था? नहीं किया था। फिर भी लोग यीशु मसीह को सताते थे, यीशु मसीह को पत्थरों से मारते थे, यीशु मसीह के मुंह पर थूक रहे थे, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी अनुचित काम नहीं किया, न उसने पाप किया, फिर भी लोग उसको क्यों दुख दे रहे थे? तो प्रभु यीशु मसीह दुख उठाकर भी परमेश्वर के मार्ग पर चला और सबको क्षमा कर दिया। ठीक वैसे ही हमें कोई गाली दे रहा है, कोई बेवजह झगड़ा कर रहा है, तो हम किसी को धमकी मत दें। यदि कोई हमें बेवजह सता रहा है, कोई हमें बेवजह परेशान कर रहा है, बेवजह झगड़ा कर रहा है, तो हम भी आवेश में मत आ जाएं, हम भी झगड़ा मत करें, हम किसी को धमकी मत दें और हम कहें मैं भी तो तेरे से ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं भी बॉडी बिल्डर हूँ, तू मेरा क्या कर सकता है, ऐसा हम ना कहें। हमें किसी को धमकी नहीं देना है। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारी जो लड़ाई है ना इस संसार के मनुष्यों से नहीं है, हमारी लड़ाई है आकाश के हाकिम से, आकाश में जो शैतान है, उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारी लड़ाई उनसे है, हमारी लड़ाई इन मिट्टी के बने हुए मनुष्यों से नहीं है। अगर सुकेश को कोई धमकी दे दे, कोई गाली दे दे, झगड़ा कर दे, वो तो बॉडी बिल्डर है, उठा के पटक देगा क्या? कैसे सुकेश? क्षमा करना सीखना है हमें, क्षमा करना है ना। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड मत करे, न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर न्याय के काम करता है, जो मुझे जानता है और समझता है। हमें घमंड होना चाहिए कि अब हमें महान परमेश्वर मिल गया है। देखिए, हम जब पहले महान परमेश्वर को नहीं पाए थे तो हमारा जीवन कैसा था, है ना? हमारा जीवन अनरीति था, अनरीति, हम अनरीति चल रहे थे। लेकिन अब हम महान परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह में आ चुके हैं तो हमारा जीवन बदल गया है। एक गीत भी गाते हैं हम, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। तो वास्तविक में जो यीशु मसीह को सच्चाई से पा चुके हैं उन्हीं का जीवन बदला है। अब कई लोग यीशु मसीह में आ तो जाते हैं लेकिन जीवन नहीं बदला रहता, वो जैसे के तैसे संसारिक रहते हैं। तो बाइबल में लिखा है उनके लिए कि वो एक प्रकार के सुअर के समान हैं। क्यों? सुअर को कितनों अच्छा नहला दो, उन्हें अच्छा काजल लगा दो, सुअर को पाउडर लगा दो, है ना, सुअर को दे ब्यूटी पार्लर भी ले जाओ, ब्यूटी पार्लर ब्यूटी पार्लर में अच्छा उसका डिजाइन विजाइन हेयर कटिंग भी करा दो सुअर को, और फिर छोड़ दो, वो कहाँ जाएगा सुअर? कीचड़ में जाएगा। ठीक वही प्रकार से जो मसीही जीवन को अपना करके सच्चे परमेश्वर को छोड़ देते हैं और परमेश्वर के योग्य अपना जीवन नहीं बिताते, अपना जीवन नहीं बनाते, अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य बनाने की कोशिश नहीं करते, और जिनका जीवन प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में नहीं है, जिनका चाल चलन प्रभु यीशु मसीह के योग्य नहीं है, तो ऐसे ही लोग हैं। अब कई लोग कहें कि ये तो बड़ा कड़वा शब्द है, इन बातों से मैं ठोकर लग रहा है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। अगर आप लोगों को पढ़ना है तो दूसरा पत्रस 2:21-22 पद पढ़िएगा, वहाँ पर लिखा है हम भाई सच्चाई को जान गए हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कभी झूठ नहीं बोला, तो हमें भी झूठ नहीं बोलना है। हम जान गए हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह बड़ा ही नम्र और दीन व्यक्ति था इस संसार में, तो हमें भी नम्र और दीन बनना है। हम जान गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य के लिए काम किया, तो हमें भी स्वर्ग राज्य के लिए काम करना है। हम जान गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह संसार में कभी भी धन दौलत के पीछे नहीं भागा, कभी भी धन दौलत के पीछे नहीं चला, तो हमें भी ज़्यादा धन दौलत के पीछे नहीं भागना है। पता है शैतान ने क्या किया था? शैतान ने जब प्रभु यीशु मसीह का लास्ट परीक्षा किया था, तो लास्ट परीक्षा में शैतान ने तमाम दौलत को दिखाया यीशु मसीह को, और यीशु मसीह से कहता है कि तू सारे जगत को देख, अगर तू मुझे गिर कर प्रणाम करे तो जितने भी संसार में दौलत हैं, वैभव हैं, सोना चांदी ये सब मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि वचन कहता है कि अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर।
इसलिए आज बहुत सारे मसीहों को धन दौलत के लालच में शैतान ने फंसा दिया है, जो कहते हैं कि परमेश्वर ने बड़ा आशीष दिया है, दौलत, सोना चांदी, हीरा मोती, बंगला गाड़ी। बंगला गाड़ी, सोना चांदी, हीरा मोती होना कोई गलत नहीं है, लेकिन जो लोग आज आंख मूंद के पीछे भाग रहे हैं ना, जो मसीह दौलत के पीछे, वो लोग शैतान के जाल में फंस चुके हैं। आज पता है मसीह लोग भी दौलत के लिए झूठ बोलते हैं, पैसे के लिए झूठ बोलते हैं। हमें दुख होता है इस बात का, हमें झूठ नहीं बोलना है, चाहे दौलत के लिए रहे, चाहे किसी चीज के लिए भी रहे। झूठ को तो अपने जीवन से दूर कर दें, क्योंकि यहोवा झूठों से घृणा करता है, और जो सत्य पर चलते हैं वह ज्योति के निकट आते हैं। हम जब तक सच्चाई के मार्ग पर चलते रहेंगे, परमेश्वर हमारे करीब होगा, हमारे निकट होगा, और जैसे ही हमने झूठ बोला तो हमारे अंदर जो सत्य का परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, तुरंत हमसे जुदा हो जाता है, जुदा, क्योंकि झूठ के साथ परमेश्वर का कोई सहभागिता नहीं है। याद रखें इस बात को, हमारा परमेश्वर सत्य का परमेश्वर है, तो इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है, तो चुना है तो हम स्वर्ग के राज्य के लिए काम करें और हमारा जीवन परमेश्वर के योग्य हो, क्योंकि हम लोग कोई साधारण लोग नहीं है। बाइबल में लिखा है तुम परम प्रधान परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, तुम ईश्वर हो। जैसे कुत्ते का बच्चा कुत्ता कहलाता है, गधे का बच्चा गधा कहलाता है, वैसे ही परमेश्वर के बेटे और बेटियां परमेश्वर ही कहलाएंगे, ईश्वर ही कहलाएंगे। आदम को कैसे बनाया था महान परमेश्वर ने? अपने समान बनाया था, अपने समान। क्या लिखा है उत्पत्ति में? परमेश्वर ने जब मनुष्य का निर्माण किया, तो परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो वहां पर लिखा है अपने स्वरूप और अपनी समानता के अनुसार परमेश्वर ने बनाया। तो अपने स्वरूप परमेश्वर के स्वभाव में परमेश्वर ने आदम को बनाया, और अपनी समानता में बनाया महान परमेश्वर ने आदम को, अर्थात पूरी तरह आदम को पवित्र बनाया। अब एक अच्छा माँ बाप क्या चाहता है? कि मेरे बच्चे मुझसे अच्छा बने, है ना? ये तो अच्छा माँ बाप चाहते हैं। कोई माँ बाप ऐसा चाहता है क्या कि मेरा बच्चा खराब हो, मेरा बच्चा बुरा स्वभाव का हो, वो चोर बने, डाकू बने, शराब पीने वाला बने, गलत मार्ग पर चलने वाला बने? कभी ऐसा माँ बाप चाहता है क्या? नहीं चाहता। एक अच्छा माँ बाप यही चाहता है कि मेरे बच्चे सही रास्ते पर चले, गलत रास्ते पर मत चले, और मुझसे अच्छा बने। हमारा प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे यही चाहता है कि हम भी अच्छा बने, हम भी यीशु के जैसा बने। इसलिए तो बाइबल कहती है जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जब पौलुस, जिसका नाम पहले साउल था, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुना, तो पहले वो क्या था? पौलुस पहले वो मसीहों को मारता था, पीटता था, सताता था, उसका स्वभाव परमेश्वर के योग्य नहीं था। अरे गुड़िया चल इधर अंदर आ। पहले पौलुस का स्वभाव परमेश्वर के योग्य नहीं था, लेकिन पौलुस पहले बहुत मसीहों को मारता था, पीटता था, सताता था, और एक प्रकार का गुंडा टाइप का था, गुंडा जैसा था वो। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उसे चुना, तो हनन्याह से प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो मेरा चुना हुआ पात्र है, जा उसके लिए प्रार्थना कर। और जिस दमिश्क नगर में पौलुस अर्थात साउल मसीहों को सताने जा रहा था, उसी दमिश्क नगर में जाकर वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगा। ठीक उसी प्रकार से हमको परमेश्वर ने चुना है, तो हमें भी प्रभु का प्रचार करना है। सिर्फ प्रचार ही नहीं करना है, सिर्फ प्रभु का वचन सुनना ही नहीं है, परंतु प्रभु के लिए काम भी करना है, क्योंकि जितने भी मसीह यीशु में हैं वो पवित्र लोग हैं। एक आयत हम और पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2:9, और यहां पर लिखा है पहला पत्रस 2:9 में, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पद धारी। हम चुने हुए वंश हैं। हम किसके वंश हैं? हम पर एक तुम चुना हुआ वंश, हम किसके वंश हैं? यहां पर सोचने वाली बात है, हम वंश हैं तो किसके वंश हैं? परमेश्वर ने हमें चुना है, और बाइबल कह रही है
कि तुम एक चुना हुआ वंश, हम पता है हम परमेश्वर के वंश हैं, परमेश्वर के वंशज हैं हम। जिस दिन हमने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है उस दिन हम परमेश्वर के वंश में शामिल हो जाते हैं, उसके बेटा और बेटी बन जाते हैं। कैसे? क्योंकि हमने अविनाशी बीज से परमेश्वर के सदा जीवते ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हमारा जन्म किससे हुआ है? परमेश्वर के वचन से हुआ है। चलिए आयत है, यही पर है, पहला पत्रस 1:23, और यहां पर लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, देखिए तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज, अविनाशी बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हमने प्रभु के वचन को सुनकर विश्वास किया और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है। तो परमेश्वर का वचन है क्या? स्वयं परमेश्वर, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और यही वचन परमेश्वर था। तो इसका मतलब हमारा जन्म प्रभु यीशु मसीह में हुआ है। तो इसलिए बाइबल कहती है कि तुम एक चुना हुआ वंश, और यहां पर हमने पढ़ा 1:23 में, परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नया जन्म पाया है, नया जन्म। इसलिए हम परमेश्वर के वंश हैं, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी। राजपदधारी मतलब जानते हो, जो राजकुमार होता है ना वो राजकुमार का वेशभूषा पहनता है, जो महाराजा होता है वो महाराजा का वेशभूषा पहनता है। तो हम जब यीशु मसीह में आते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो हम भी राजकीय वस्त्र, स्वर्ग राज्य के वस्त्र को पहन लेते हैं। जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह की देह को पहन लिया, राजपदधारी याजकों का समाज। पुराने नियम में केवल याजकों को परमेश्वर के मंदिर में जाना था, मतलब पुराने नियम में केवल याजक लोग ही परमेश्वर के मंदिर में जाते थे, परमेश्वर को लहू, परमेश्वर के वेदी पर लहू छिड़कने के लिए। अभी जितने भी यीशु मसीह में वे सब याजकों का समाज है और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो। पहले हम कुछ भी नहीं थे, बाइबल में लिखा है पहले हम कुछ भी नहीं थे। 2:10 में क्या लिखा है? यहां पर 2:10 में लिखा है, तुम तो पहले कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी परंतु अब तुम पर दया हुई है। तो पहले हम परमेश्वर के प्रजा नहीं थे लेकिन अब हम परमेश्वर के प्रजा हैं। फिर लिखा है निज प्रजा, हम परमेश्वर के निज प्रजा, उसके खुद के प्रजा हैं। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। अंधकार में से प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने बुलाया है प्रभु यीशु मसीह में। जैसे यीशु ने कहा है कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो हम यीशु मसीह में ज्योति हैं अब, पहले हम अंधकार थे, पहले हम अंधकार में चल रहे थे इसलिए हम अंधकार थे, लेकिन अब जब हमने यीशु मसीह में उद्धार प्राप्त किया है, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो अब हम यीशु मसीह में ज्योति हैं। जैसे यीशु ने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, तो अब हम जगत की ज्योति हैं, अब हमें चमकना है, अब हमें इस संसार में चमकना है। और बाइबल कहती है परमेश्वर के गुण अपने जीवन में प्रकट करो। यहां पर लिखा है ना, अपनी अद्भुत ज्योति ने बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। किसके गुण? प्रभु यीशु मसीह के गुण हमारे जीवन में प्रकट हो। अब जैसे यीशु मसीह चमक रहा था इस संसार में, वैसे हमें भी चमकना है। अब कैसे चमकना है? तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। बुरा काम करेंगे तो चमकेंगे क्या? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कभी कोई बुरा काम किया था? नहीं किया था। आज प्रभु यीशु मसीह का नाम पूरी दुनिया में चमक रहा है, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के अच्छे स्वभाव और उसके अच्छे चाल चलन ने आज दुनिया के तमाम लोगों के दिलों को जीत लिया है।
आज पता है मुसलमान लोग भीड़ के भीड़ यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, आज मुसलमान भी प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर रहे हैं, और हिंदू लोग तो पूरा धारा के समान आ रहे हैं, नदी के धार के समान। ये यीशु मसीह का अच्छा स्वभाव और अच्छा चाल चलन है जो आज उसने पूरी दुनिया को जीत लिया है। अब आप लोग कहेंगे अरे भाई कैसे जीत लिया, तो अपने अच्छे स्वभाव और अच्छे चाल चलन से जीत लिया है प्रभु यीशु मसीह ने। एक आयत हम पढ़ेंगे, यीशु ने कहा है मैंने संसार को जीत लिया है। पहले शैतान बुराई फैलाकर, नफरत फैलाकर, ईर्ष्या जलन और मार काट को फैलाकर शैतान राज्य कर रहा था, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम को फैलाकर इस संसार को जीत लिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 33 पद, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 33 पद में कि ढांढस बांधो मैंने संसार को जीत लिया है। आज प्रभु यीशु मसीह के अच्छे चाल चलन ने, उसके अच्छे स्वभाव ने और उसके क्रूस पर कुर्बानी ने आज दुनिया को प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया है। तो इसलिए हम भी यीशु मसीह के स्वभाव को अपनाकर दुनिया को जीत लें, और जब अच्छा स्वभाव हमारे अंदर होगा तभी हम दुनिया को जीत पाएंगे। जब यीशु का गुण, यीशु का स्वभाव, यीशु का चाल चलन हमारे अंदर होगा तभी हम दुनिया को जीत पाएंगे। और जैसे यीशु मसीह ने अपना लहू अदा किया है लोगों के लिए, वैसे ही हमें भी अदा करना है, हमें भी दाम चुकाना है। अब कई बार लोग हमें ताना देंगे, लोग हमें दुख देंगे, हमारी हानि करेंगे, तो भी हम चुपचाप सब बातों को सह लें, यही तो दाम चुकाना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम दाम चुका रहे हैं, और इस तरह से हम दूसरे लोगों को प्रभु यीशु मसीह में जीत सकते हैं। हो सकता है जो संसार के लोग हों वो बहुत ज़्यादा गलत हों, बहुत ज़्यादा बुरा हो या फिर बहुत ज़्यादा दुष्ट हो, तो भी हमें उससे हारना नहीं है। हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा उनको जीतना है। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। यदि हम बुराई से हार जा रहे हैं तो इसका मतलब हम मसीह में स्ट्रांग नहीं हैं, मसीह में मजबूत नहीं हैं। हमें प्रभु ने स्ट्रांग बनाया है, प्रभु ने हमें बलवंत बनाया है। मसीह यीशु के अनुग्रह में बलवंत बनो। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बहुत आशीष से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करें।